जब गुरुग्राम न्यूज ने सुबह खबर चलाई कि राजीव चौक के पास पानी भरा हुआ है और पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, उसके बाद गुरुग्राम के जिला प्रशासन की नींदें खुली और तुरंत इस पानी को यहां से हटाने के लिए जीएमडीए के टैंकर और पंप सेट पहुंचाए गए। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे हरकत में आया प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे हमने आप लोगों को एक खबर दिखाई कि कल सुबह हुई बारिश की वजह से गुरुग्राम के राजीव चौक के पास दोनों सड़कों पर जमकर जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से आज सुबह सोना रोड तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोगों को सुबह सुबह ऑफिस जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जलभराव इतना था कि एक एक करके गाड़ियां सड़क से निकालनी पड़ रही थी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार मुस्तैद थे, लेकिन जब ये खबर हमने जैसे ही आप लोगों को दिखाई तो तुरंत जिला प्रशासन हरकत में आया और जीएमडीए की एक टीम यहां पर इस पानी की निकासी के लिए भेजी गई। यहां पर तुरंत जीएमडीए का एक टैंकर भेजा गया जो कि इस पानी को एक तरफ से भरकर और दूसरी तरफ खाली जगह में ले जाकर डाल रहा है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ एक पंप सेट मंगाया गया, जनरेटर सेट मंगाया गया और उसके जरिए यहां जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी करने के लिए यहां पर कर्मचारी लगाए गए। जीएमडीए के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने जीएमडीए के एसडीओ भूपेंद्र सिंह से बातचीत की है और आखिरकार यहां पर जल भराव की असल वजह क्या है और क्यों आखिरकार यहां पर पानी भर जाता है, वो वजह भी जरा आप सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव चौक पर। आपको हमने कुछ घंटे पहले यहाँ की खबर दिखाई थी, आपने देखा होगा कि सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह थी कि जो सड़क है उस पर जल भराव जो था वो बहुत ज़्यादा था, जिससे यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई थी और जो गाड़ियाँ थी वो रेंग रेंग कर चल रही थी। हमारे साथ अभी जीएमडी के अधिकारी हैं और उन आए हुए हैं और यहाँ से जो जल भरा हुआ है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उन्हीं से मिलते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर आने में इतना समय लग गया। जी सर बताइए। नमस्कार जी। जी सर बताइए, ये जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है इसको निकालने में इतना समय कैसे लग गया? देखिए जी, रात भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है और यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज की ना बनने की वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जिस टाइम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये पुल अंडरपास का निर्माण किया था, सड़क का निर्माण किया था, तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्लोप ना देके ये इकट्ठा यहाँ पे एक स्लोप डाल दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सी भी बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर NHAI उस टाइम यहाँ से ये ड्रेन दूसरे रोड के दूसरी तरफ जो हमारा लेग 3 जो ड्रेन बनी हुई है उसके साथ इसको अटैच कर दे तो शायद ये समस्या ना हो पाती। सर दावे करते हैं कि यहाँ पर अगर कभी भी बारिश होती है तो दोबारा जनता को ऐसी समस्या नहीं होगी, लेकिन ये जो दावे करते हैं सर, ये उतना काम नहीं देखने को मिलता, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, उसकी समस्या समाधान के लिए हमने यहाँ पे हमारा टेंडर हो चुका है और जो यहाँ से आपके जो पुलिस बूथ पीछे बना हुआ है इसके पीछे एक ड्रेन बनाने जा रहे हैं जिसका टेंडर हो चुका है, लेकिन वन विभाग की वजह से हमारा वहाँ पे काम थोड़ा सा डिले हो गया है। उन्होंने हमें अभी तक परमिशन नहीं दी है ताकि हम आने वाले समय में अपनी ड्रेन का निर्माण वहाँ पे कर सकें। सर इस पानी को निकालने में इतना समय क्यों लगा? इस पानी को निकालने में समय इसलिए लगता है, एक तो ट्रैफिक जाम बहुत होता है और मशीन को जब खाली करना होता है तो दूसरी तरफ से घूम के काफ़ी दूर जाना पड़ता है, आसपास जगह ना होने की वजह से हम खाली नहीं कर पाते हैं इसको, और सुबह भी हम दूसरी साइड में लगे हुए थे काम करने के लिए वहाँ पे। अगर सर कल फिर से बारिश हो जाए तो क्या इंतजाम किए जाएंगे? उसके लिए हम पहले ऑलरेडी एक हमारा पंप भी रखे हुए हमने यहाँ पे और एक अलग से सेपरेट एक टीम तैयार कर दी गई है जो तुरंत मौके पे पहुँच के इस समस्या को दुरुस्त करने में लग जाएगी। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो जीएमडी के अधिकारी आए हुए, हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि अगर फिर से बारिश होगी तो लोगों को यह समस्या दोबारा झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पंप की जो सुविधा है वह कर दी गई है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो पानी है, पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो पानी का जो स्तर है वह धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि अब आपको जो भी समस्या हो रही थी यहाँ पर, जो ट्रैफिक की जो समस्या बनी हुई थी वह अब नहीं होगी। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। पिछले साल मानसून में जब गुरुग्राम में जमकर जल भरा हुआ था तो उस दौरान गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने कहा था कि उनको पता ही नहीं है कि गुरुग्राम में कहां-कहां सीवर लाइन बिछी हुई है और कितनी सीवर लाइन बिछी हुई है। एक तरह से वो अपना पल्ला झाड़ रहे थे जीएमडीए की तरफ, लेकिन जब अब जीएमडीए का नंबर आया तो जीएमडीए कह रहा है कि NHAI ने गलत नाला बना दिया है, ड्रेन आगे तक बनी नहीं है, इस वजह से यहां पर जल भराव हो रहा है। हर बार जब इस तरह की स्थिति होती है तो एक विभाग दूसरे विभाग पर अपनी परेशानी डालता हुआ नजर आता है, लेकिन सवाल यह है कि जनता को इससे क्या लेना कि किस विभाग का काम है या किसका नहीं, वो तो अपना टैक्स देते हैं, उनको चाहिए कि आप समय पर सुविधा दे पाएं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।